अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन एंड प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर आप लोगों ने अप्लाई किया है 152 के लिए और आप भी चाहते हैं कि आप इनिशियल वन अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लेंगे, यानी कि आपको कोई मसला पेश ना आए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी जो है ये आज थर्ड पार्ट इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहा हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज़ हैं वो वाले एमसीक्यूज़ हैं ये, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, और थोड़ा सा नहीं है, मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। मेरा अपना 3-4 साल का एक्सपीरियंस है और तकरीबन 1.5-2 साल से मैं यूट्यूब पर वीडियोज़ भी अपलोड कर रहा हूँ, तो ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है मेरा। और इंशाल्लाह आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा। आपको कोई एकेडमी जाने की ज़रूरत नहीं, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं, बस ये जो मैं आपको एमसीक्यूज़ बता रहा हूँ, इन एमसीक्यूज़ की आप तैयारी करते जाएं। अगर आप वर्बल और नॉन वर्बल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो मैंने 151 के लिए बनाए थे, और दोबारा इंशाल्लाह फिर मैं नए वर्बल और नॉन वर्बल बनाऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट और ईजीली से क्लियर हो जाए, तो आप जल्दी से मेरे जो यूट्यूब पर 151 के हैं वो आप देख लें। और आज का जो थर्ड पार्ट है वो मैं आप लोगों को उसके एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो शेयर करूंगा, और पार्ट वन और पार्ट टू के जो एमसीक्यूज़ हैं वो मैंने ऑलरेडी शेयर किए हुए हैं, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप जाकर पार्ट वन और पार्ट टू भी देखें, और मैं वर्बल इंटेलिजेंस और नॉन वर्बल का भी लिंक दे दूँगा। अच्छा, आप स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यूज़। 81 एमसीक्यूज़ है, विच कंट्री इज़ नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, तो वो है तिब्बत। रूफ कहते हैं छत को, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। 82 क्वेश्चन है हमारे पास, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान का जो सबसे लंबा दरिया है, लॉन्गेस्ट रिवर, तो वो कौन सा है, वो है हेलमंड रिवर। हेलमंड ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। लंबा यहाँ पे पूछा गया है, सबसे बड़ा नहीं पूछा गया। 83 क्वेश्चन है, बैटल ऑफ खैबर वॉज फॉट अगेंस्ट, तो बैटल ऑफ खैबर जो जिसको जंगे खैबर भी कहा जाता है, जिसमें हैदर करार ने जो है अपने एक हाथ से दरवाजे को उखाड़ फेंका था और जीत लिया था, वो किसके खिलाफ लड़ी गई थी, वो जूस के खिलाफ लड़ी गई, यानी कि यहूदियों के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। 84th क्वेश्चन है हमारे पास, ड्यूरेशन ऑफ नूह स्टॉर्म, तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त में जो तूफ़ान आया था उसका ड्यूरेशन कितना है, तो वो 6 मंथ्स है। ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट ऑप्शन। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के जो स्टॉर्म का ड्यूरेशन है वो 6 मंथ है। 85th क्वेश्चन है हमारे पास, किस्सा सोनी माईवाल इज़ रिटन बाय, तो किस्सा जो सोनी माईवाल है ये किसने लिखा है, तो ये फजल शाह। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, किस्सा सोनी माईवाल का। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 86 है, हीर रांझा इज़ रिटन बाय, हीर रांझा बड़े जो फेमस लव स्टोरीज हैं इनकी, तो वो जो है वो किसने लिखा है उनका किस्सा, वो वारिस शाह ने लिखा है। ये आई थिंक ये हज़ारा के शायर हैं, तो वारिस शाह इज़ करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। 87th क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट नोबल प्राइज़ अवार्डेड टू विच पाकिस्तानी, तो यहाँ पे फर्स्ट नोबल प्राइज़ का पूछ रहे हैं कि कौन से पाकिस्तानी को फर्स्ट नोबल प्राइज़ मिला था, तो वो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारे पास, डॉक्टर अब्दुल सलाम, और इनको फिज़िक्स में मिला था। क्वेश्चन नंबर 88 है हमारे पास, पीस एग्रीमेंट आफ्टर 1971 वार इज़, तो जो पीस एग्रीमेंट हुआ था 1971 वार के बाद, यानी कि 1971 जंग के बाद जो पीस एग्रीमेंट था वो था शिमला का। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन, जो शिमला के ही मुकाम पर भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 89 है हमारे पास, विच इज़ जानेवाला बाग इज़ लोकेटेड इन, तो जानेवाला बाग कहाँ पर मौजूद है, वो ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास, अमृतसर, अमृतसर में मौजूद है। जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखा करें, मैं आपसे यही कहूँगा। क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास, OIC वाज फॉर्म लिंथ, OIC कब बनाई गई थी, OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज एक तंजीम है, तो ये कब बनाई गई थी, 1969 को। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट ऑप्शन, OIC की जो अब्रिवेशन है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। 91 क्वेश्चन है हमारे पास, नेम ऑफ पाकिस्तान इज कॉइंड बाय, तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो पाकिस्तान का नाम जो है वो किसने तजवीज़ किया था, तो वो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है, चौधरी रहमत अली, इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया कि पाकिस्तान होना चाहिए हमारी मुल्क का नाम। 92 क्वेश्चन है हमारे पास, फादर ऑफ बीबी हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के जो फादर थे वो कौन थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत हफ्सा जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मुबारक है। 93 क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन थे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये,
ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन, सर अब्दुल रशीद। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मोस्ट मोस्ट मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है। उसके बाद लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो दरियाओं में काफ़ी ज़्यादा मसले थे पहले भी, तो अभी मैंने दरियाओं का सही तरीके से लिखा है। तो लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो ऑप्शन नंबर बी है, मिसिसिपी। तो नॉर्थ अमेरिका का सबसे लंबा दरिया मिसिसिपी है। क्वेश्चन नंबर 95 है हमारा, एशिया लॉन्गेस्ट रिवर इज। तो ये बिल्कुल आप बेगम होकर लगाएं, अमेजॉन सबसे बड़ा दुनिया का, अमेरिका का सबसे बड़ा दरिया और सबसे लंबा दरिया अमेरिका का यही है अमेजॉन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन 95, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लोगों को परेशानी थी इसमें कि ये नहीं है नाइल है, तो नाइल नहीं है। अब यहाँ पे देखें वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर, तो वर्ल्ड का जो सबसे लंबा दरिया है वो नील है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन नाइल। लेकिन सबसे जो बड़ा दरिया है वो अमेजॉन है, सबसे लंबा नाइल है। उसके बाद है हमारा कैपिटल ऑफ बेलारूस। तो बेलारूस का जो कैपिटल है वो क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर हमारे पास 4, मिन्सिक। जो मिन्सिक है वो बेलारूस का कैपिटल है। इस तरह आप कैपिटल जो मेन मेन कंट्रीज हैं उनके लाजमी याद करके जाएं आ सकते हैं। 98 क्वेश्चन है हमारे पास, टोटल कंट्रीज इन यूरोपीय यूनियन। तो मैं आपको साथ साथ जो है वो एक्स्ट्रा बातें इसलिए बताता हूँ कि आपके माइंड में इजीली भी ये भी बैठ जाए और साथ एक्स्ट्रा भी, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो। तो यूरोपियन कितने हैं टोटल, तो वो भी 27 है, पहले 28 थे, अभी ये कम हुआ तो 27 है। 99 क्वेश्चन हमारे पास, कैमल ऑफ हजरत होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैट एट द डोर ऑफ। तो वो हजरत अयूब अंसारी हैं, हजरत अबू अयूब अंसारी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज है, ये हर बार तकरीबन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ कंसेंट इज। तो कंसेंट का क्लोजेस्ट मीनिंग कौन सा है, तो वो है एग्री, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारे पास वो करेक्ट ऑप्शन है। ये इंग्लिश के एम सी क्यूज इस तरह के आते होते हैं, जिस तरह क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ कंसेंट इज एग्री, और प्रपोजिशन भी आते हैं। पाकिस्तान ज्वाइन नैम, तो पाकिस्तान ने नैम कब ज्वाइन की थी। नैम एक जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, एक इदारा है नैम, जिस तरह OIC है वो उसी तरह नैम है। तो ये 1979 को ज्वाइन की थी, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 102, हज टोटल फ़राइज़। तो हज जो है टोटल उसके फ़र्ज कितने हैं, जिस तरह नमाज के फ़र्ज होते हैं इस तरह हज के फ़र्ज हैं, तो टोटल फ़र्ज हज के कितने हैं, वो 3 हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। अभी क्वेश्चन नंबर 103 है हमारे पास, हज टोटल सुन्नत, जिस तरह नमाज की सुन्नत है इस तरह हज की भी सुन्नत है, तो टोटल सुन्नत कितनी है हज में, तो वो 10 है, ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है हमारे पास 104, खुजाक हिल स्टेशन इज इन। तो खुजाक हिल स्टेशन ये कह रहे हैं कि कहाँ पर वाक़ है, ये इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है। तो ये बलोचिस्तान में वाक़ है, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं, जो आपको नहीं आता अपने पास पेन और कॉपी ज़रूर रखा करें, उसको नोट किया करें। उसके बाद है 105, हिंदू काश रेंज कनेक्ट्स पाकिस्तान टू। तो हिंदू काश का जो पहाड़ी सिलसिला है वो पाकिस्तान को किस मुल्क के साथ जोड़ता है, नीचे मुल्कों के नाम है, तो वो ऑप्शन नंबर 4 है अफगानिस्तान। हिंदू काश अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान को कनेक्ट करता है। 106 हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मैनी फील्ड्स नोबल प्राइज इज गिवन। तो टोटल कितनी फील्ड्स हैं जिनमें नोबल प्राइज दिया जाता है, तो टोटल 6 फील्ड्स हैं, उसमें एक पीस की भी है, फिजिक्स की है, इस तरह एस्ट्रोनॉमी की है, इस तरह टोटल 6 फील्ड्स हैं, मैथ्स की है, जिनमें नोबेल प्राइज दिया जाता है। 107 है हमारे पास, प्लांट टेक नाइट्रोजन फ्रॉम। तो प्लांट जो है वो वैसे थोड़ा थोड़ा नाइट्रोजन लेते हैं सबसे, मतलब वाटर से भी लेते हैं, सन से भी लेते हैं, एयर से भी लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसका मेन सोर्स है वो सॉइल है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली लेते हैं सॉइल से नाइट्रोजन प्लांट्स। दास कैपिटल वाज रिटन बाय, दास कैपिटल, अच्छा ये किसी मुल्क का कैपिटल नहीं है, दास जो है ये बुक का नाम है। तो ये किसने लिखी थी, ये इंग्लिश के एमसीक्यूज़ है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारे पास 4 है, कार्ल मार्क, KARLMARK, ऑप्शन नंबर 4। 109 है हमारे पास, फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो जो पहले फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के वो कौन से थे, तो वो ऑप्शन नंबर सी है, जफरुल्ला खान, ये सबसे पहले फॉरेन मिनिस्टर हैं। 110 क्वेश्चन है हमारे पास, विच सूरा वाज रिवील्ड फॉर फर्स्ट। तो कौन सी वो सूरत है जो सबसे पहले नाजिल हुई थी, तो वो ऑप्शन नंबर, ये सबको पता है सूरह हलक है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट ऑप्शन, अलग। क्वेश्चन नंबर 111 है, मतलब 111 है, कांग्रेस फाउंडर।
तो कांग्रेस का जो बानी था वो कौन था, कांग्रेस को किसने बनाया था? तो ऑप्शन नंबर जो सी और डी है ये दोनों है, ए ओ ह्यूम या ऑलन अक्टन ह्यूम। ये ऑलन अक्टन ह्यूम, ए ओ ह्यूम ही है। उसके बाद है 112 यानी कि 112 क्वेश्चन नंबर। तो खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, कौन सी जंग के बाद, वर्ल्ड वार वन के बाद, वर्ल्ड वार टू के बाद, वर्ल्ड वार थ्री के बाद? तो ये वर्ल्ड वार वन के बाद हुई थी और अभी तक वर्ल्ड वार थ्री नहीं हुई। अच्छा 113 क्वेश्चन है हमारे पास, ताशकंद एग्रीमेंट आफ्टर विच वार? तो ताशकंद का जो मुआहदा था ये किस वार के बाद हुआ था? तो ये भी वर्ल्ड वार वन के बाद हुआ था, 1966 इसकी एग्जैक्ट डेट है, 1966। अगला क्वेश्चन है हमारे पास अल्लाज मंथ, तो अल्लाह का महीना कौन सा है? वैसे तो कहते हैं रमज़ान बहुत बबरकत महीना है, वाकई बहुत ज़्यादा फजीलत वाला महीना है, लेकिन जो अल्लाह का महीना है वो है मुहर्रम। ऑप्शन नंबर वन जो है या ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115 है हमारे पास, एक्यूट एंगल इज, तो एक्यूट एंगल जो होता है हमेशा लेस देन 90 डिग्री होता है। 85 का हो तो वो भी एक्यूट है, 45 डिग्री का एंगल अगर आपको देके पूछा जाए कौन सा है तो नीचे ऑप्शन अगर एक्यूट का हो तो वो एक्यूट एंगल ही है, हमेशा लेस देन 90 जो है वो एक्यूट एंगल है। क्वेश्चन नंबर 116 है हमारे पास, सैफुल्ला मीन्स, तो सैफुल्ला का क्या मतलब है? सैफुल्ला एक लकब है जो कि खालिद बिन वलीद को दिया था, तो इसका जो मतलब है वो है सॉर्ड ऑफ अल्लाह, यानी कि अल्लाह की तलवार। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है ये भी, ये तो सबको आता ही होगा। उसके बाद है हमारे पास सिनोनिम ऑफ ओपेक, ये भी इंग्लिश के एमसीक्यूज हमारे पास आ गया। तो सिनोनिम ऑफ ओपेक जो है वो ऑप्शन नंबर ए है ब्लड, ब्लड भी कहते हैं, डल भी कहते हैं, क्लाउडी भी कहते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर फोर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 118 है हमारे पास, अल्टर मीन्स, तो अल्टर का क्या मतलब है? अल्टर का मतलब है चेंज, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन, चेंज। तो वैसे इसको मॉडिफाई भी कहते हैं, चेंज और मॉडिफाई दोनों इसके हो सकते हैं, लेकिन ऑल ऑफ द अबव इसलिए नहीं है क्योंकि नीचे नॉन ऑफ द भी दिया गया है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 119 है, विच सी सेपरेट्स इटली फ्रॉम ग्रीस, तो कौन सा सी है, कौन सा समुंदर है जो को इटली को ग्रीस से अलग करता है? तो वो है लायोनियन सी, ऑप्शन नंबर फोर इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 120 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और इसके बाद मैं आपको टिप्स दूंगा, कुछ बेहतरीन टिप्स हैं आपके लिए, वो अपने माइंड में रखिएगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी इज, तो सबसे छोटी बोन कौन सी है बॉडी की? कुछ एक आध एमसीक्यूज बीच में वायो का भी आ जाता होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये स्टेप्स है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन, ये जिस्म की सबसे छोटी बोन है। अच्छा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एमसीक्यूज मेरे अच्छे लगते होंगे, आप पार्ट वन ज़रूर देखिएगा, पार्ट टू भी ज़रूर देखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे लगेंगे। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि ये पूरे कोर्स की मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, यानी कि अभी इनिशियल से लेके ISSB तक ये चैनल आपके साथ रहेगा। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगा, जॉब की कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। जहाँ तक बात टिप्स की है तो टिप्स, दो टिप्स जो हैं आज मैं आपको देने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करूंगा जो जो मेरे माइंड में टिप्स आती जाए मैं आपको देता हूँ। जो पहली टिप, टाइम बहुत मैनेज करना है, स्पेशली जो इंटेलिजेंस के क्वेश्चन होते हैं वो में आपने एक मिनट में आपने लाजमी 3 MCQs लाजमी मुकम्मल करना है, और 15 मिनट में आपके तकरीबन आप कोशिश करें कि आप 50 के नज़दीक नज़दीक MCQs कर चुके हों, 45+ MCQs आप कर चुके हों, ये पहली टिप हो गई। इसी तरह मतलब कि बाकी इसमें तो बहुत टाइम होता है ना एकेडमिक्स में, लेकिन इंटेलिजेंस में आपने इसी तरह ही करना है। उसके बाद दूसरी जो टिप है वो है कि ऑप्शंस जो होते हैं कई बार ऑल ऑफ द अबव लिखा होता है लेकिन नीचे नॉन ऑफ द अबव जिस तरह मैंने क्वेश्चन में लिख दिया, तो ऑप्शंस को गौर से पढ़ना है, जल्दी करें, ये नहीं जल्दी ना करें लेकिन इतनी जल्दी ना करें कि आप जो है बगैर ऑप्शन जो है वो किए तो आप लगा दें, इस तरह ना करें। इंटेलिजेंस की जहाँ तक बात है तो आप मेरी वीडियो देखेंगे, मैं यकीन से कह सकता हूँ आप मेरी इंटेलिजेंस की अगर दो वीडियो देखेंगे तो आपका 100% श्योरिटी के साथ टेस्ट क्लियर है। आप मेरे चैनल की जाके देख सकते हैं वीडियोस में, तो आपको इंटेलिजेंस की वीडियोस मिल जाएंगी। और जो लास्ट और ये भी इंपॉर्टेंट एक टिप्स है, दो तो आपको दे दी, दो का बोला था, तीसरी जो टिप है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक दिन के बाद, यानी कि परसों, नए वीडियोज़ के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, 160 तक इंशाल्लाह हम करेंगे। तो तब तक ले दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।